हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर से ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एलसीएम। लास्ट पीरियड में देखिए हमने एचसीएम फाइंड करना सीखा था, आज हम एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। हमें फाइंड करना है 12 एंड 18 का एलसीएम। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 2 से डिविजिबल है, 2 6 टाइम्स, 6 से 2 अगेन डिविजिबल 3 टाइम्स, 3 से 3 डिविजिबल 1 टाइम। देन 12 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 18 नंबर हमारे पास है, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टार्टिंग 2 से डिविजिबल है 2, 9 टाइम्स, 9 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स एंड 3 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। 18 को हम राइट करेंगे 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इससे पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया था, उसमें तो बस खाली जो हमने फैक्टर किए थे उसमें कॉमन डिजिट को मल्टीप्लाई किया, जो फैक्टर है हमारे पास कॉमन फैक्टर उसको हमने। अब देखो इस केस में हम दोनों ही चीज ले लेंगे, एलसीएम सबसे पहले हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम में देखेंगे हम, देखो कॉमन हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आ रहे हैं 1 टाइम। तो मैक्सिमम पावर हम इसको राइट कर सकते हैं 2 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम्स है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 पावर ऑफ 2। तो एलसीएम में हम देखिए मैक्सिमम पावर को कंसिडर करेंगे, दोनों में 2 कॉमन है लेकिन 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास है 2 पावर ऑफ 2। तो हम राइट करेंगे एलसीएम 2 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए 3, दोनों में 3 भी कंसिडर हो रहा है, 3 की लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो हम इसको लेंगे 3 पावर ऑफ 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम राइट कर देंगे 2 पावर ऑफ 2 मीन्स 4 एंड 3 पावर ऑफ 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 4 जा 36। इट मीन्स एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का जो एलसीएम है वो क्या है 36। अब देखिए इसी में हम एचसीएफ भी समझ लेते, अगर हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना हो तो क्या है, जैसे हमने लास्ट पीरियड में भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे एचसीएफ के, अब इसको भी इसमें भी हम एचसीएफ फाइंड करना, अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे देखिए। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते कॉमन, अब देखिए 2 हमारे पास कॉमन है दोनों, तो 2 की जो मिनिमम पावर है 2 पावर ऑफ 1, तो 2 पावर ऑफ 1 को कंसिडर करेंगे इससे, 3 पावर ऑफ 1 और 3 पावर ऑफ 2, तो मिनिमम पावर 1 है 3, तो 3 पावर ऑफ 1। तो एचसीएफ इसका आएगा हमारे पास 2 पावर ऑफ 1 मीन्स 2 और 3 पावर ऑफ 1 3, 2 3 जा 6। तो एलसीएम और एचसीएफ में आपको याद रखना है ऑलवेज, एचसीएफ में हम मिनिमम पावर को लेते हैं कॉमन, दोनों में अगर कॉमन है तो मिनिमम पावर को कंसिडर करें, और लेकिन एलसीएम में हम लेते हैं मैक्सिमम पावर को, कॉमन वाला मैक्सिमम पावर को हम कंसिडर करें। तो ये इसका एलसीएम और ये इसका एचसीएम। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 केजी एंड 69 केजी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फाइंड करने के लिए ऑलवेज हमें एचसीएफ लेना होगा, और मिनिमम के लिए ऑलवेज हमें एलसीएम लेना होगा। इस चीज़ को याद रखना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ फाइंड करना हो तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, और मिनिमम के लिए एलसीएम। तो आप देखिए इधर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फाइंड करना है, तो इसका मतलब 75 एंड 69 का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 3 से डिविजिबल है 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से डिविजिबल है 5 1 एंड 69
टू से तो डिविजिबल है नहीं, तो थ्री से डिविजिबल है, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, 23 प्राइम नंबर होता है, 23 23 से डिविजिबल है, वन। तो हमारे पास 75 को हम राइट करेंगे, थ्री प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, एंड 69 को हम राइट करेंगे, टू मल्टीप्लाई सॉरी थ्री मल्टीप्लाई 23। तो देखिए दोनों में कॉमन डिजिट हमारे पास क्या है, 75 और 69 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ किसका फाइंड कर रहे हो आप, 75, 69। तो इसका जो एचसीएफ होगा, कॉमन डिजिट कौन सी है हमारे पास, थ्री, वन टाइम्स आ रहा है दोनों में, और कोई कॉमन डिजिट है नहीं, तो इसका एचसीएफ आएगा हमारे पास थ्री। इट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज थ्री केजी, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg आज। तो बाकी के क्वेश्चन जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है वो आपको अटेंड करना है, पर ऑलवेज रिमेम्बर किसी भी गिवन क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करना हो तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, और मिनिमम के लिए एलसीएम फाइंड करेंगे।